वहीं विराट कोहली और अनुष्का शर्मा बनने वाले हैं शादी के बंधन में। आज के इस बेहद खास शो में हम बात करेंगे कि कैसे बॉलीवुड और क्रिकेटर एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ डाले साथ चलते हैं। चाहे हम बात करें भज्जी और गीता बसरा की, या हम बात करें जहीर खान और सागरिका गडगे की। कई क्रिकेटर्स बॉलीवुड से अपनी दुल्हनियां लेकर आए हैं, और अगर अफवाहों की माने तो इस लिस्ट में अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का भी नाम जुड़ने वाला है। पेश है इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा वैसे तो अपने रिश्ते को लेकर कभी खुल के सामने नहीं आए हैं, लेकिन समय समय पर उनका अलग अलग इवेंट्स पर एक साथ दिखना, एक दूसरे के लिए स्टैंड लेना, साथ हॉलीडेज पर जाना, उनके रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में काफी कुछ कह जाता है। तो आखिर अनुष्का और विराट के रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई, कैसे बॉलीवुड और क्रिकेट ने एक दूसरे का हाथ थामा? विराट और अनुष्का के इस प्यारे से रिलेशनशिप की शुरुआत 2013 में हुई थी, जब वो एक दूसरे से एक एड शूट के दौरान मिले। फिर क्या था, अनुष्का का विराट के मैचेस में आना या विराट का अनुष्का के मूवी शूट्स पर पहुंचना। दोनों ने एक साथ कई इवेंट्स अटेंड किए, चाहे वो भारतीय क्रिकेट टीम की सक्सेस पार्टी हो या किसी क्रिकेटर की शादी। ऐसी मुलाकातों से इन दोनों का रिश्ता और गहरा होता चला गया। अफवाहों का बाजार विराट और अनुष्का की शादी के बातों से गर्म है, लेकिन क्या पिछली बार की तरह इस बार भी ये खबर अफवाह बन के रह जाएगी, या सच में विराट और अनुष्का शादी के बंधन में बंधेंगे? अभी पिछले कुछ समय से ये खबरें आ रही है कि विराट और अनुष्का 9 से 12 दिसंबर के बीच शादी के बंधन में बन जाएंगे। अफवाहों की माने तो दोनों इटली में शादी करेंगे, जिसके लिए अनुष्का शर्मा इटली के लिए रवाना भी हो चुकी है। इस पर और जानकारी के लिए हम अपने रिपोर्टर गौरव से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके पास क्या अपडेट्स हैं। जी हाँ मोपिया, अफवाहों का दौर जारी है और ऐसा कहा जा रहा है कि 9 से 12 दिसंबर के बीच विराट कोहली और अनुष्का इटली में शादी करेंगे। वैसे तो इस खबर की कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अनुष्का शर्मा का अपने पूरे परिवार के साथ इटली के लिए रवाना होना और परिवार के पुजारी का भी साथ होना बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह रहा है। आपको ये भी बता दें कि विराट कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ अपने आने वाली ओडीआई सीरीज से भी विश्राम लिया है। ये सभी खबरें, ये सभी बातें विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की शादी की तरफ इशारा कर रही हैं। आपको ये भी बता दें कि इस साल की शुरुआत में भी ऐसे ही खबर सामने आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने एंगेजमेंट कर लिया है, लेकिन उस खबर में कोई सच्चाई नहीं थी। देखना होगा कि अब की बार जो खबर आ रही है उसमें कितनी सच्चाई है, उसके लिए हमें कुछ समय और रुकना पड़ेगा। कैमरामैन निखिल के साथ मैं गौरव गुप्ता, IAAN न्यूज़।